कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संसद के बाहर कांग्रेस खेत खलिहान और किसानों की लड़ाई लड़ेगी। इनके लिए हम किसी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। किसान, आड़ती व मजदूर की तरफ जो नजर उठाएगा वो सत्ता में नहीं रह पाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आज पिहोवा के गाँव गुमथला के एक निजी पैलेस में पहुँचे। कांग्रेसी नेता अमन चीमा सहित व अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि संसद में तीन काले कानून लाकर भाजपा सरकार ने खेत खलिहान पर हमला बोला है। किसान आड़ती की रोजी रोटी छीनने पर लगे हैं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई लड़कर किसान व आड़तियों को उनका हक दिलाएंगे। आगे बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि इस खट्टर की खटारा सरकार को कामकाज से बंद करने आते हैं व लोगों के रोजगार छीनने का काम आता है, चलाना कुछ नहीं आता, पिहोवा की पवित्र धरती का अपमान कर रही है। अगर सरस्वती की असली लड़ाई कोई लड़ेगा वो कांग्रेस की सरकार होगी। हम वो करके दिखाएंगे जिसके झूठे वादे बीजेपी सरकार करती आई है। चीज को बंद करते, उन्होंने नोटबंदी की, अब देशबंदी कर डाली, इसलिए उन्हें कुछ खोलना आता ही नहीं। जीडीपी की भी बंदी कर दी, रोजगार की भी बंदी कर दी, नोटबंदी भी कर दी, देशबंदी भी कर दी, फायदा किसको मिला? और अब किसान की खेती बंदी पर लगे, कभी व्यापार बंदी, कभी दुकानदार बंदी, कभी नोट बंदी, कभी देश बंदी, कभी जीडीपी बंदी। ये सरकार है या फिर किस प्रकार की दुकान? और पेवा, कुरुक्षेत्र, कैथल, इस पूरे इलाके के अंदर तो अब रेड राज है। एक चिटली उंगली पैसा लिए बगैर भ्रष्टाचार का आलम ये हिलती नहीं। सरस्वती का हाल क्या है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप उससे ज्यादा जानते हैं।